नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इंटरनेशनल पैसेंजर जो इंडिया ट्रैवल करना चाहते हैं, इंडिया लैंड होना चाहते हैं, उनको ट्रैवल करने से पहले एक फॉर्म भरना होता है जिसको हम बोलते हैं एयर सुविधा फॉर्म। एयर सुविधा फॉर्म इज मैंडेटरी बाय इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। बिना एयर सुविधा फॉर्म भरे आप इंडिया ट्रैवल ही नहीं कर सकते हो। हमारे कुछ भाई हैं, कुछ व्यूअर्स हैं जिनकी रिक्वेस्ट थी कि सर आप एक वीडियो बनाओ कि किस तरह से एयर सुविधा फॉर्म को हम भर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ किस तरह से घर बैठे सिंपल तरीके से ऑनलाइन बिना किसी के पास जाए, बिना किसी से रिक्वेस्ट करे, बिना किसी को पैसे दिए आप भी फॉर्म एयर सुविधा फॉर्म भर सकते हो घर बैठे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ किस तरह से आप एयर सुविधा फॉर्म को इजीली, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, भर सकते हैं। तो बिना देर करें चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। तो बिना देर करें चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको इस लिंक पे आना है। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे तो ये फॉर्म आपके सामने आ जाएगा, इसको हम बोलते हैं एयर सुविधा फॉर्म, ठीक है। मैं आपको लाइव डिटेल्स फिलअप करके बताने वाला हूँ, ठीक है। ऊपर ऊपर से नहीं बताऊँगा, लाइव डिटेल्स फिलअप करूँगा आपके सामने, आपको दिखाऊँगा कैसे आप भी एयर सुविधा फॉर्म रिक्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। एयर सुविधा फॉर्म रिक्वेस्ट करने से पहले मेक श्योर आपके पास चार चीज़ें रेडी होनी चाहिए। पहला, आपकी पासपोर्ट कॉपी, दूसरा आपकी फ्लाइट टिकट, तीसरा आपकी वीज़ा कॉपी, चौथा आपका नेगेटिव PCR रिजल्ट, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे मांग रहा है कॉन्टैक्ट नंबर इंडिया वाला, जो आपका इंडिया का कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपको वो डालना है, ठीक है। पासपोर्ट नंबर आपको डालना है आपका, उसके बाद फ्लाइट नंबर, जो भी आपका फ्लाइट नंबर है तो हम डाल देंगे। PNR नंबर, जब फ्लाइट टिकट बुक करोगे तो PNR नंबर भी आपको मिलता है उस टिकट के ऊपर, तो वो आप इधर डाल दोगे, फिर कर दोगे नेक्स्ट। अब जैसे आप नेक्स्ट करोगे तो जैसा कि यहाँ पे मांग रहा है फुल नेम हम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ आपकी, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल फॉर्म है। डेट ऑफ बर्थ आप डालोगे अपनी, जेंडर आप डालोगे मेल, सीट नंबर, जब आप बुक करते हो फ्लाइट तो सीट नंबर भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, नेशनलिटी आपकी नेशनलिटी क्या है, पासपोर्ट नंबर आपने डाल ही दिया, पासपोर्ट कॉपी आपको अपलोड करनी है, ठीक है। तो हम करते हैं पासपोर्ट कॉपी अपलोड, ये कर दी हमने पासपोर्ट कॉपी अपलोड। डेट ऑफ अराइवल, कब इंडिया में हम लैंड होना चाह रहे हैं, कौन सी फ्लाइट टिकट हमारी, कब हम लैंड हो रहे हैं, तो लेट्स से हम सपोज 31st ऑफ अगस्त को लैंड हो रहे हैं। कंट्री ऑफ डिपार्चर, हम लैंड हो रहे हैं UAE से, तो हम UAE डाल देंगे कंट्री ऑफ डिपार्चर। आर यू टेकिंग ए कनेक्टिंग डोमेस्टिक फ्लाइट, नो। नेगेटिव सर्टिफिकेट PCR, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया चार चीज़ें, तो हम ये अपलोड कर देंगे हमारी PCR रिपोर्ट, ठीक है। आगे चलते हैं, सिटी ऑफ डिपार्चर, ठीक है। आप जैसे UAE से आ रहे हो तो UAE में कौन सी सिटी से आप जा रहे हो, लेट सपोज दुबई से आप जा रहे हो अहमदाबाद, तो आप इधर सिटी ऑफ डिपार्चर में दुबई डालोगे, फर्स्ट एयरपोर्ट ऑफ एंट्री में डालोगे अहमदाबाद, गुजरात अपने आप ले लिया, फाइनल डेस्टिनेशन जो आप कहाँ है आपका घर अहमदाबाद में वो डालोगे, फाइनल डेस्टिनेशन स्ट्रीट विलेज, फाइनल डेस्टिनेशन तहसील, इसको आप खाली भी छोड़ सकते हो, फाइनल डेस्टिनेशन स्टेट, आपका स्टेट क्या है, अहमदाबाद आता है गुजरात में तो हम डालेंगे गुजरात, फाइनल डेस्टिनेशन डिस्ट्रिक्ट सिटी, अहमदाबाद हम लैंड हो रहे हैं तो हम डालेंगे अहमदाबाद, फाइनल डेस्टिनेशन पिन कोड, अहमदाबाद का पिन कोड, कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया, अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर ही आपको डालना जरूरी है, ठीक है, तो वो भी आपको रेडी रखना पड़ेगा। ईमेल आईडी आप डालोगे अपनी,
उसके बाद आर यू एक्सपीरियंसिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स, फीवर, कफ, रेस्पिरेटरी डिजीज, तो आपको करना है नो नो नो. आर यू सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर? नो. सब पे आपको नो नो क्लिक करना है, ठीक है. उसके बाद डिटेल्स ऑफ द सिटीज कंट्री विजिटेड इन लास्ट 14 डेज, अगर आप कोई कंट्री विजिट किए हो लास्ट 14 डेज में तो आपको इधर डालनी है, नहीं किए हो तो आप नो भी डाल सकते हो. सारे चेकबॉक्स पर हम क्लिक कर देंगे सबमिट. तो ये हमारा हो चुका है सबमिट, जैसा कि आप देख रहे हो. थैंक यू फॉर सबमिटिंग द सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म. योर एप्लीकेशन फॉर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म हैज बीन फॉरवर्डेड टू द एयरपोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. यू विल रिसीव एन एक्नॉलेजमेंट कॉपी. आपकी जो ईमेल आईडी आपने रजिस्टर की उस पर आपको एक कॉपी मिल जाएगी. विद इन 2 to 3 hours आपको एयरस विद द फॉर्म का अप्रूवल मिल जाएगा, ठीक है. ये रेफरेंस नंबर आपको हमेशा ध्यान में रखना है. जो भी आपकी ईमेल आईडी पे फॉर्म आएगा, मेक श्योर आप उसको प्रिंट करके अपने साथ लेके जाएं, बिकॉज एयरपोर्ट पे वो लोग आपसे पूछेंगे, ठीक है. आपने देखा कितना सिंपल है एयर सुविधा फॉर्म को फिलअप करना, कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं इसमें, ना कहीं जाने की, किसी को पैसे देने की जरूरत ही नहीं है. घर बैठे सिर्फ ये 4 डॉक्यूमेंट अपने पास रेडी रखो, ये फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, फिलअप करो, दैट्स इट. फिर आप इंडिया लैंड हो सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है. तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपके काम का लगा होगा. अगर आपकी जान पहचान में कुछ लोग हैं जिनको मालूम नहीं है एयर सुविधा फॉर्म कैसे भरा जाता है, प्रोसेस क्या है, ये जो वीडियो है ये उनके साथ आप शेयर कीजिए, ठीक है. और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा. वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद.